की गई है कि उसको पुख्ता बनाया जाए ताकि वो और अच्छी हो सके, बेहतर पर ये ट्रेन चल रही है। ये सबसे बड़ी और अहम कामयाबी हम इसको मान सकते हैं। उसका जो किराए की बात है, हां समीर, अरे बड़े हम लोगों ने बजट में 4 नई ट्रेन प्रोडक्ट्स शुरू करने का ऐलान किया। उसके तहत पहली टेज एक्सप्रेस जो आम आदमी को सुविधा देने के लिए सर हट जाओ ना, बहुत अच्छी सुविधा है, ये सुविधा है। सर आप इधर आ जाइए, हमें काम नहीं हो पाएगा भैया सामने सुविधा नहीं, कोई बात नहीं। सर 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 उसके बाद हम लोगों ने और सब कुछ ये जो ट्रेन के बारे में कहा था, ये पूरी क्लास लोगों के लिए जाने के लिए भी सुविधा करेगी। ये ट्रेन भी बहुत सारी जगह पर अभी चल भी रही है। इसी ट्रेन की हमने बात की थी, वो थी तेजस, और आज आपने देखा कि तेजस एक फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है। इसमें बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं का प्रदान किया गया है, और ये ट्रेन चलेगी 200 किलोमीटर रफ्तार तक वो जा सकती है। ऐसे उसकी क्षमता बनाई गई है। इसमें जो खाना भी दिया जाएगा वो भी खास सेलिब्रिटी शेफ ही उसका तय करेंगे किस तरह से खाना होना चाहिए। इसमें पहली बार
वैक्यूम कम, जो वैक्यूम टॉयलेट जो हम एयरलाइंस में देखते हैं, और बायो टॉयलेट जो रेलवे ने अभी 75,000 बायो टॉयलेट अभी तक लगाए हैं, लेकिन ये वैक्यूम कम बायो टॉयलेट, यानी एयरलाइन जैसी भी सुविधा होगी और बायो टॉयलेट भी रहेगी, इस तरह की सुविधा भी इसमें दी गई है। एक आपको यहाँ पे एक सर्वर एक्टिविस्ट सर्टिफिकेट और अलग अलग सुविधाएं इसमें दी गई है, खास अंदर पेंट्री भी है ताकि लोगों को अच्छी तरह से खाना एकदम गर्म गर्म खाने मिलेगा। तो इसकी पहली शुरुआत सोमवार से ये ट्रेन गोवा से मुंबई चलेगी, उसके बाद में भी हमने तय किया है कि अहमदाबाद से मुंबई भी इस तरह की ट्रेन चलेगी, बाकी सभी जगह पर पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्व भारत में, सब जगह पर भी ऐसी ट्रेन उसके बाद में थोड़ा ही शुरू की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा आमचा पर पूरे देश में अलग अलग जगह पर दौड़ रही है। हमने और एक चीज़ की बात की थी उदय एक्सप्रेस, जो रात को चलेगी और दिन पर अपने डेस्टिनेशन पर मौके पर पहुंच पाए, ऐसी ट्रेन को भी अगले कुछ महीनों में हम उसको भी लॉन्च करेंगे, और ये ट्रेन लोगों को और अच्छी सुविधा रहेगी क्योंकि रात को जो बिजनेस करने वाले लोग हैं रात को चलते हैं, सुबह अपने काम करके वापस अपने घर में लौटना चाहते हैं, अपना होटल का पैसा भी बचा सकते हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनके लिए भी ये बात बहुत अच्छी होगी। तो आपने देखा होगा कि अंत्योदय एक्सप्रेस एक आम आदमी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाई है, तेजस एक्सप्रेस जो हमारे बहुत सारे लोग बैंक में काम करते हैं, यहाँ काम करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए तेजस एक्सप्रेस थोड़ी सी प्रीमियम ट्रेन है, और ये रहेगी सभी कारोबारों को मदद करने के लिए रहेगी। चौथी हम लोगों ने आपने देखा होगा कि हमने महामान एक्सप्रेस की शुरू की जो अभी दौड़ रही है, साथ ही में अलग जगह पर दीनदयाल कोचेज भी लगाए गए हैं, यानी सभी रेलवे में सफ़र करने वाले लोगों की सुविधाएं उनकी अपेक्षाएं को ध्यान में रखते हुए जो नए नए ट्रेन के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने जारी किए। आप सबको पता होगा कि एक जगह पर एयरलाइंस की कॉम्पिटिशन आएगी, पिछले ओवर रोड की कॉम्पिटिशन तो बड़े लंबे समय से चल ही रही है, तो दोनों का सामना करने के लिए हमें नए नए प्रोडक्ट्स लाने होंगे और इसी हिसाब से हम लोग हमारी पूरी बना लें। तो मुझे जो लगता है आगे आने वाले दिनों में हम आम लोगों की जो अपेक्षा पूरी करने में सामने तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपको बताएगी, वो कमिश्नर पर काम कर रहे हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं बता जिस तरह से, लेकिन जरूर इसका किराया नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा है। सर तेजस क्या लखनऊ के लिए भी चलेगी? जरूर चलेगी, पूरे देश में अलग अलग जगह पर चलेगी, जब आप जाना चाहेंगे उसके लिए आप जल्दी उसको पहले करेंगे। सर पहली ट्रेन जो किस दिन चलेगी और किस किसके बीच चलेगी? सर पहली ट्रेन तेजस चलेगी तो सर कहाँ किस दोनों डेस्टिनेशन के बीच चलेगी और कब चलेगी? ये चलेगी मुंबई से गोवा में, और मंडे से उसका लोकल राइट है मुंबई गोवा, उसकी रात रीजन उसकी वजह भी है कि आपको पता होगा ऐसी ट्रेन जो हमारे यात्री जो सफ़र करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास भी हैं सब जाना चाहते हैं, आजकल गोवा में जाते हैं सफ़र करना चाहते हैं, अभी जून महीने में गोवा में बारिश भी आएगी तो लोग और भी जाना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पहली ट्रेन अपने बजट में भी उसके बारे में जो है टाइम टेबल आया था उसमें भी मुंबई गोवा का ही जिक्र किया, लेकिन अब अहमदाबाद पहुँच गए आप सही सीधा लखनऊ के लिए। सर एक ट्रेनें लेट बहुत होती हैं, तेजस का नाम क्योंकि विमान से लड़ाकू विमान से लिया गया, तेजस को लेकर के क्या तेजस कभी लेट तो नहीं होगी, उसको लेकर के इंश्योरेंस रहेगा कि नहीं टाइम पे पहुंचे टाइम पे जाए, ऐसे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेलवे में हमारी अपेक्षा है कि सिर्फ तेजस नहीं तो सभी ट्रेन टाइम पे, आपको पता होगा कि देश के इतिहास में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने डबलिंग ट्रिपलिंग का काम किया, इतने बड़े पैमाने पे किया इसका अनुमान आप लगा सकते हैं जब आप सोचेंगे कि पिछले 70 साल में हमने 20,000 किलोमीटर से ऊपर डबलिंग का काम किया था, और फिर 2.5 सालों में हमने 16,500 किलोमीटर का मान्यता दी, हमने विद्युतीकरण 42% हुआ है उसको दोबारा करें, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब जब काम चलता है ये काम करने के लिए भी ट्रेन पूरी स्पीड में ट्रेन नहीं चल पाती क्योंकि जो काम नहीं तो कैसे करें, इसलिए ये बड़े पैमाने पे जो काम हो रहा है जो मेंटेनेंस हमको मालूम है कि ट्रैक मेंटेनेंस बहुत बैकलॉग हुआ करता है, हम ये चाहते हैं कि इस साल में पूरी तरह से बैकलॉग क्लियर किया जाए, उसके लिए भी मेंटेनेंस के लिए ब्लॉक करना पड़ता है, उसकी वजह से भी थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले जब ये काम पूरा होगा तो एक भी ट्रेन समय से बाद में नहीं चलेगी, ऐसी हम अपेक्षा करके काम करेंगे।
पीछे चल जाइए सर, मोहित आगे जाओ, मोहित आगे जाओ, मोहित मोहित हां इधर रुक जाओ। अरे भैया पीछे से हटो आप, भाई पीछे चढ़ जाइए सर, पीछे चढ़िए। जी न्यूज़ का कैमरा मैन अंदर है। नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, गार्ड को पावर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जरा सर सर इधर थोड़ा पैसा भी देता हूँ। लॉक हो हो गया, हो गया, हो गया।